अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास ये तीन सूट हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। अब ये देखें, इसका हमने ये गला बनाया हुआ है, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कपड़े पे ही एम्ब्रॉयडरी हुई थी हमारी, ठीक है। कोई बॉर्डर नहीं था अलग से हमारा। और यहाँ पे हमने इसकी लेस लगा दी, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पे हमने इसका कॉलर बनाया, एक बैक में कॉलर शेप दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये आपको ज्वाइंट यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हमने इसकी पूरी लेस लगा दी। और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स में भी हमने लेस लगा दी फिनिशिंग के साथ, ठीक है। और देखें, इसका जो बॉर्डर है, दामन है, दामन देखें, यहाँ पे हमारी लंबाई यहाँ तक के आ रही थी, जो शर्ट की लंबाई थी। उसके बाद हमने इसकी लेस लगाई है। ये नीचे हमारी ऑर्गेन्जा पे प्लेटें दी हुई हैं, ठीक है। हमने एक ये सीढ़ी लेस लगा के फिर नीचे दो प्लेटें दी हैं, फिर हमारी एक लेस आ रही है, फिर नीचे एक बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। बॉर्डर के बाद फिर एक लेस आ रही है। ये देखिए, बाकी हमने इसकी फिनिशिंग दे दी, ठीक है। और ये देखें, स्विस लॉन है, इसमें हमने अस्तर लगाया है। देखें, हमने मेरा हाथ आपको झलक रहा होगा, इसलिए हमने इस पर अस्तर लगाया है, ये बारीक होता है थोड़ा सा। ये इसकी बैक है, ठीक है। बैक का भी हमने नीचे बॉर्डर लगाया हुआ है सीढ़ी लेस के साथ। और यहाँ पे भी हमने इसकी फिनिशिंग के साथ, कच्चा इसका कहीं पे भी नहीं है, कच्चा हमने पट्टियों में दबा दिया अंदर। और ये इसकी शलवार है, बगैर कुंदों वाली इसकी शलवार है, ठीक है। ये यहाँ पे नाली वाली जगह पे हमने इसके लुक्स लगाए हुए हैं। बटन भी इस पे टाकने हैं, लेकिन मैंने बटन अभी बनवाया नहीं, तो बनवा के टाक लेंगे बटन, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे के साइडों में देखें, ये कटवर्क हुआ हुआ है। और पल्लू में मैंने इसकी लेस के साथ फिनिशिंग लगा दी। और ये देखें, इसकी पीक है, गुले अहमद का सूट है ये। ये देखें, ये हमने इसका गला बनाया, ठीक है। ये तीन कलर में आपको, ये देखिए, तीन कलर इसमें आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो मैंने सिल्क के कपड़े लेके इसमें पट्टियां तैयार की हैं। देखिए, पट्टियां जो हमने तैयार की हैं, मैं आपको पट्टियां दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक बूट की मैंने पट्टी तैयार की है, ठीक है, सिल्क के कपड़े की। उसके बाद मैंने इसे यहाँ से इस तरह डबल, ये देखें, 1 इंच लंबाई इसकी कटी हुई है। इसे मैंने यहाँ से इस तरह डबल करके इसे यहाँ पे इस तरह लगाया है, ठीक है। ये देखें, गले में भी लगाया हुआ है, इसकी स्लीव में भी लगाया हुआ है हमने। और ये इसकी स्लीव्स है, ठीक है। स्लीव्स में भी हमने तीन कलर में इसकी डिजाइनिंग कर दी, फिनिशिंग के साथ लगा दी है इसे। ये देखिए, इसके दामन में भी इसी तरह स्लीव्स की तरह, जैसे स्लीव्स में हमने दिखाया इसे। वो देखिए, चाकू में भी, इसके फ्रंट के चाकू में हमने इसी तरह डिजाइनिंग की, जैसे हमने गले में की है इसकी। तीनों कलर की हमने पट्टियां बराबर बराबर लगा दी, थोड़े थोड़े से गैप्स है। और ये इसका ट्राउजर है, ठीक है। ट्राउजर मैं आपको बता चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखें, ये इसकी पीक है, ये निषाद का सूट है। इसका हमने गला बनाया, गला इसके ऊपर हमने पेच करवाया, ठीक है। स्लीव में हमने इसकी पाइपिंग लगा दी। और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स में हमने आगे ऑर्गेन्जा की तीन प्लेटें दे के आगे लेस लगा दी, ठीक है। और देखें, ये इसका दामन है, दामन का ये पेच है, इसे हमने ऊपर रख के यहाँ पे कटवर्क करवा दिया सारा, ठीक है। यहाँ पे हमारी ऑर्गेन्जा की प्लेटें आ रही हैं चार। उसके बाद देखें, ये हमने कपड़े पे जो है ना चौड़ी पेंटेक्स दे के,
ये देख रहे हैं आप, पहले अलग से मैंने कपड़े पेंटेक दे के इसे लेस के साथ फिनिशिंग के साथ इसे जोड़ के फिर यहाँ पे इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। बाकी हमने इसकी फिनिशिंग लगाई हुई है, देखिए इसमें भी हमने अस्तर लगाया हुआ है स्विस लोन ने। ये इसकी शलवार बनाई है हमने, ये भी बगैर कुंदों की शलवार है इसकी, ठीक है। नीचे हमने पांचे में इसके कटवर्क किया हुआ है और हमने पट्टी इसकी पेंटेक दे के पट्टी पे ऊपर नीचे लेस लगा दी। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में हमने हमने पूरी पाइपिंग लगा दी इसकी। ये देखें ये भी गुलेमत का सूट है,